मैनपुरी परिवहन विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाई गई मिशन शक्ति अभियान के तहत परिवहन विभाग द्वारा आज कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि महिला भी पुरुषों से किसी भी से कम नहीं है। हर कार्य में कदम से कदम मिलाकर महिला अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसको देखते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, सशक्तिकरण जैसी महत्वाकांक्षी योजना के जरिए महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, जिससे आज आधा सैकड़ा से अधिक महिलाओं को गाड़ी चलाने की प्रतिक्रिया सिखाई गई। गाड़ी में किन किन चीजों को चलाते समय ध्यान रखना चाहिए, अंतर्गत जो अगस्त और दिसंबर के बीच में जो मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो मिशन शक्ति कार्यक्रम बनने को प्रत्येक सप्ताह अलग अलग कार्यक्रम है। तो आज का हमारा जो कार्यक्रम है, महिलाओं को व्यवसाय चालक बनाने के लिए उनको प्राइवेट जनपद के जितने भी प्राइवेट मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हैं उनके माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ये प्रशिक्षण प्राप्त करके ये मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के माध्यम से जो भी चालक का जो प्रशिक्षण है वो पूरा कर सकें। और इसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ वो स्वावलंबी आत्मनिर्भर बन सकें, वो अपना किसी भी क्षेत्र में अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। जहाँ ड्राइविंग ट्रेनिंग गाड़ी चलवाने का जो माध्यम होता है, उस माध्यम से वो अपना किसी भी फील्ड में अपना मुकाम हासिल कर सकें और अपने आप को स्वावलंबी बना सकें। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से जागृत कर रहे हैं। और आज हमारा जो प्रोग्राम है वो उनको व्यवसाय चालक बनाने के लिए जो कॉमर्शियल वाहन की ट्रेनिंग दी जा रही है ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों के माध्यम से, उनको आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो देश में महिलाएँ जो कमजोर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाएं।